हमारे बड़े भैया श्री सुनील तिवारी जी, आपकी तरफ से भी, शायगढ़ वालों की तरफ से भी 101 पद्मदाय हमारे साहिल के लिए प्रदान है। मैं हृदय से नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक सादा गीत प्रयोग कर रहा हूँ, चूंकि भागवत कथा का आयोजन निरंतर चला है, इस बात को दिलो दिमाग में रखते हुए एक अच्छी बात प्रस्तुत करने का मूड बन गया मेरा। वो आप सुने सुने अरे रे रे जी महाराज, चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का प्रेम है, ये चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का प्रेम है, प्रेम के पल प्रेम से बस बीत जाए लाल। चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का प्रेम है, प्रेम के पल प्रेम से बस बीत जाए लाल मन, है माँ से कामना यही एक कीर्तन जिंदा रहे, हार जाए लाल मन या जीत जाए लाल मन, शब्दों की शब्दावली से सजा संगीत हो, जब बुलाओ प्रेम से बन मीत आए लाल मन, प्रेम से शीश के और दो हाथ रख दो शीश पे, और प्रेम से ताली बजा दो गीत गाए लाल मन। एक गीत सुनेगा हमारे भैया श्री छंगे साहू जी, आपकी तरफ से 101 पद्मदाय हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है बिटिया पुनः, बिटिया नीलम जी, हमारी आपकी पहली मुलाकात है आज, और उगते हुए सूरज को दुनिया प्रणाम करती है, आपको मैं अपनी तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ, जय जय, पहला गीत दे रहा हूँ और कह रहा हूँ क्या कि हम तो दिल दे ही चुके, अच्छा लगेगा और क्या। हम कह रहे हैं शुक्ला जी आप परेशान हो, जाएगा नहीं, इसको जाने नहीं दूंगा मैं, जो कहोगे वही करा देंगे आज, अधिकार है मेरा और मैं अपने अधिकार का प्रयोग हर जगह नहीं करता हूं, कहीं कहीं करना पड़ता है मुझको। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज हमारा आप सबका, सभी का सहयोग रहा, शंभु अंचल जी हमारे कानपुर के सितारे हैं, इन पे हम सब नाच करते हैं और क्या। आवाज यहाँ हाजिर है, ये जाएंगे नहीं, ये सुनाएंगे तब जाएंगे। ये हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा ये हुआ है, थोड़ा वो बाकी, बाकी रहने दो, समझदार लोग हैं, हमें क्या जरूरत है बुढ़ापे में सब गाने की। पप्पू भैया
गाना सीधा सीधा बिल्कुल सबका सुना हुआ और क्या बढ़िया गाना सुने आप सुने रा 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 ना रा रे ना तो भाग्यशाली वो नर है भाग्यशाली वो नर है और संग जिसके सुपनीता आ सुनी पाठक जी चंदपुरा से बता रहे हैं आप भी कलाकार हैं कभी नहीं गाया मैंने वो काम कर रहा हूं संजय भैया इसका पैसा ले लेंगे हम हाँ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा नहीं मुकदमा लिखवा देंगे ये हमको बंद करेंगे यूट्यूब में डाल देंगे आवाज के बाद गाने लायक भी नहीं बचेंगे इसको लोग कहेंगे लाल मन दादा मैंने सुन लिया अब उसको ना गाओ लेकिन हम गाएंगे नहीं क्यों समाज की सेवा करने के लिए धर्म उपदेशक के दौर में बुलाया जाता हूं इसलिए मुझको गाना पड़ेगा भाग्यशाली वो नर है भाग्यशाली वो नर है जिसके सुपनीता नारी अर्धांगिनी है पूज पावन परिणीता चार रूप नारी अर्धांगिनी तो है लेकिन पूज है वही माँ है वही बहन है वही बेटी है वही देवी है वही अर्धांगिनी भाग्यशाली वो नर है और संग जिसके सुपनीता नारी अर्धांगिनी है कुछ पावन परिणीता के पूरक होते हैं नर वा नारी सुनील भैया एक दूजे के पूरक होते हैं नर वा नारी और सृष्टि में बने सहायक जानते हैं संसारी काय भैया अगर नारी ने जन्म ना दिया होता तो लालवन चंचल कहां से आ जाता नारी ने जन्म दिया तब तो लालवन चंचल बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं क्या शैलेन जी पहली बार गाने सुन रहे हो सुनो मध्य प्रदेश में क्या कीर्तन जगत में पहली बार गा रहा हूं अभी यूपी में नहीं कहीं खुला ना मध्य प्रदेश में कहीं खुला बस गोवारा में खुल रहा एक दूजे के पूरा होते हैं नर वा नारी सृष्टि में बने सहायक जानते हैं संसारी और जैसे कि प्राण बिनाता नदी बिन जैसे बारा समझ लेना गाने को जैसे कि प्राण बिना तन और नदी बिन जैसे बारी और नयन बिन ज्योति के कैसे पुरुष बिन वैसे नारी अब आगे आगे समाई अग्नि में सीता समाई अग्नि में सीता माता जानकी अग्नि में समा गए कह रहा हूं क्या समाई अग्नि में सीता
आ गई छाया सीता। सीता तीन जगह विभाजित हो गए, एक अग्नि में, एक लंका में, हाँ, एक भगवान राम के हृदय। फिर बढ़ रहा हूं, समाई अग्नि में सीता ओ आ गई छाया सीता, नारी अर्धांगिनी है कुछ पावन परिणीता। आगे देखिएगा, कह रहा हूं क्या, हरण जब उनका हो गया, हरण जब उनका हो गया, अरे बिकल मन में रघुराई। क्यों? हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, अब तुम देखी सीता मृग ने। हरण जब उनका हो गया, और बिकल मन में रघुराई, और खोजते फिरते उनको संग में दोनों भाई। देखो तालियां ठोको तो जी भर के ठोको। क्योंकि एक शायर गाया करते हैं, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, और वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, और वो ससुराल भी क्या जिसमें ना हो। महफिल भी क्या जिसमें ताली ना हो। ताली हम लोग इसलिए बजवाते हैं कि आपका जन्म बदलने ना पाए। बदलने ना पाए, क्योंकि कीर्तन में ताली कौन बजाता है? जो आनंदित हो जाता है। और क्या, उसको मजा नहीं आता है, आनंद की अनुभूत होती है कीर्तन में। इसलिए मैं कह रहा हूं, हरण जब उनका हो गया, बिकल मन में रघुराई, और खोजते फिरते उनको संग में दोनों भाई। फिर पता जब चल गया तो प्रभु ने सेना सजाई, ये पता जब चल गया तो प्रभु ने सेना सजाई, अब पहुंचे सागर के तट पे बात एक मन में आई। जब आई किया स्थापित शिवलिंग, भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वरम किया स्थापित शिवलिंग, और संग ले कुश की सीता। जय हो जय हो। बगैर नारी के पूजन आधा पूर्ण कैसे होए? समस्या राम के सामने सीता है नहीं, अब भगवान राम ने कुश की सीता के द्वारा अपना पूजन पूर्ण कर लिया। किया स्थापित शिवलिंग और संग ले कुश की सीता, लेकिन नारी अर्धांगिनी है उच्च पावन पंडिता। मुद्राएं हमारे लिए, और 101 पद मुद्राएं हमारे रचनाकार जिनके द्वारा मैं जाना जाता हूं, लालमन चंचल। हमारे मंच में विराजमान हमारे रचनाकार श्री अरविंद सिंह जी पदम, जय हो जय हो। आपके लिए 101 पद मुद्राएं, और 101 पद मुद्राएं हमारे लिए सम्मानी शैलेंद्र त्रिवेदी जी रायबरेली, आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, उत्तर प्रदेश से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पदम भैया से कहते हैं जरा खड़े होके जनमानस का अभिवादन आप कर ले, पुरस्कार हमसे ले ले। ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे काशीराम जी राजपूत, जो स्वयं में कलाकार हैं, इन्होंने बड़ी सेवा करी जब दवाई बट रही थी,
तो हमारे साथ एक सज्जन ने कहा कि चलो वहां दवा मिलती है, हम कहा चलो टीला। हमने भैया संपर्क किया, हमने कहा भैया दवा मिल जाएगी, कहना दादा आपको बगैर लाइन के दवा हम दिलाएंगे। तो बेईमानी कर ली, लाइन नहीं लगी और इन्होंने दवा दिला दी, उनको लेके हम ले गए, वो ठीक भी हो गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। आइए फिर आगे बढ़ा, किसी भी यज्ञ आदि संग में चाहिए नारी, किसी भी यज्ञ आदि में संग में चाहिए नारी, नारी नहीं यदि नहीं साथ में, नारी नहीं है जो साथ में युक्त एक सरस सवारी। क्या क्या विप्र को कुश की ना। हमारे मूर्धन्य कलाकार बड़े भैया दीक्षित जी, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, मैं आपका अनुज भराता हूं, मंच से आपको प्रणाम कर रहा हूं। एक नई बात लाने का प्रयास मैंने किया है कीर्तन में, विप्र को कुश की नारी और छत्री सोने की नारी। जय हो। विप्र को कुश की नारी और छत्री सोने की नारी, पैस चांदी की नारी, सूत्र तांबे की नारी। क्या बात है, वाह वाह। नारी और नारी के साथ साथ चारों वर्णों के लिए जनेऊ भी आया है, ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र, चारों के लिए जनेऊ भी आया है, लेकिन शूद्र के लिए कंठी का प्रयोग हो गया। सुनिए साहब, सुने। विप्र को कुश की नारी, छत्री सोने की नारी, पैसे चांदी की नारी, सूत्र तांबे की नारी। लेकिन एक बात आ गई, अरे किए अश्वमेघ राम ने, थोड़ा मामला सस्पेंस में डाल दिया गया। अरे किए अश्वमेघ राम ने तो बनी सोने की सीता। क्या बात है, वाह वाह। अब काहे भैया कुछ नहीं लाए, किए अश्वमेघ राम ने बनी सोने की सीता, प्रश्न उठता ये आखिर और बनी क्यों कुश की सीता, नारी अर्धांगिनी है पूज पावन परिणीता। सच्चे दरबार की जय। गाय फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बोले, कि हम तो दिल दे ही चुके हो, वाह।
गया। हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी हाँ है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। बहुत ही बढ़िया गीत आया है चमानी दादा चंचल जी की ओर से। सुना है आप लोगों ने गीत को दोहराना, समय की बचत चाहूंगी। ये गीत आप लोगों ने सुना है। जब आपकी पंक्तियां पढ़ रही हूं और का बेटे बिल्कुल वही पावन है।
सुने सुदेश भैया जहां कहीं भी हो आप सभी सुने सुने वो सीता बोली है शिव से प्रभु मेरी ये इच्छा क्षमा कीजिएगा सती बोली है शिव से प्रभु मेरी इच्छा ब्रह्म यदि राम है तो करूं मैं उनकी परीक्षा बेटे माता को बहुत समझाया लेकिन बोध नहीं हो रहा है ना तो कहना क्या बेटे हो रहा है सती बोली है शिव से प्रभु मेरी इच्छा ब्रह्म यदि जानकी का रूप धारण किया और बैठ गए तो कहना पड़ा क्या बने बैठी पन पथ में जाकर सती पन करके सीता बैठी पन पथ में जाकर सती पन करके सीता महावड़ भागी पुनर है जिसकी नारी विनीता महावड़ भागी चाहूंगी बिना शिव स्थापना के चाहे ना रावण जीता भगवान की स्थापना के बिना विजय होनी असंभव है ना बिना शिव स्थापना के चाहे ना रावण जीता
करे शिव पूजन कैसा नहीं संग में जब सीता तपस्वी भेष में राम हो भी बैठे हैं आप अच्छी साथ सुनने वाले हैं आपको ये पंक्तियां भेंट करें सुनेगा क्योंकि हमारे दादा ने पूछा है कि कुश की सीता आकर क्यों बनाई गई क्यों तो उधर राम तपस्वी भेष में हैं क्योंकि कुश की सीता को आपने बताया कि ब्राह्मण बना सकते हैं ब्राह्मण अपनी पत्नी को कुश की बना सकते हैं जब कहीं धर्म संकट होता है तो आइए सुनिए सुने तपस्वी भेष राम में तपस्वी राम तो बनाई कुसकी सीता वहां वो तपस्वी के भेष में वाह बेटे तपस्वी भेष राम तो बनाई कुसकी सीता महाबड़ भागी पुनर है जिसकी नारी हमारे सम्मान्य बड़े भैया भैया श्री डॉक्टर संजीव शर्मा जी आप आगरा से लाइव देख रहे हैं और 101 पत्र मुद्राओं का ये भेंट बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं मैं अपने सम्मान्य बड़े भाई को संजय भाई को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ आशीर्वाद चाह रही हूँ सुनेगा क्या बात है बहुत ही बढ़िया गीत आया है Mm-hmm.